इमेजिन 25 मई 2013 को नाइजीरिया के एस्क्रोवस कोस्ट से अराउंड 32 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट अटलांटिक ओशियन में एक ऑयल रिग कंपनी की बोट थी जिसपे 12 लोग काम कर रहे थे। रात हुई, वो 12 लोग अपने अपने कैबिन में जाके सो गए। अगले दिन 26 मई को सुबह अराउंड 5 बजे जब वो सब वर्कर्स नाव में सो रहे थे, अचानक से समुद्र की एक तेज लहर आई और उनकी बोट पलट गई। जैसे ही बोट डूबी, ऑयल कंपनी की रेस्क्यू करने वाली नाव फटाफट एक्शन में आई और समुद्र के उस हिस्से की तरफ बढ़ने लगी जहां पे वो बोट डूबी थी। उनके साथ कुछ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी उस एरिया की तरफ भागे। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही रेस्क्यू बोट वहां पहुंची, उन्होंने सबसे पहले बोट को ढूंढना स्टार्ट किया जो अब 100 फीट नीचे ओशन के सी बेड यानी समुद्र तल पे जाके गिर गई थी। उन्होंने अपनी बोट्स के एंकर्स नीचे फेंकने शुरू किए ताकि वो जैसे ही डूबी हुई बोट को टच करें तो उन्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल पाए और वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर पाए। उन्हें बोट मिल गई, डाइवर्स ने पानी में जंप किया और नीचे जाने लगे, बट वो बोट सी बेड पर थी और वो इतनी नीचे जाने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। डीप सी डाइविंग के लिए एक अलग तरह के इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है जो उस वक्त उनके पास नहीं थे, और वो जितना नीचे जा पाए उससे उन्हें ये तो पता चल गया था कि बोट पर कोई बचा नहीं है, क्योंकि बिना प्रॉपर डाइविंग सूट और ऑक्सीजन के ओशन के इतना नीचे बचना बहुत मुश्किल है। इन सब रीजंस की वजह से उन्होंने उस दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन वहीं रोक दिया। 2 दिन बाद जिस कंपनी के लिए वो 12 लोग काम कर रहे थे, वेस्ट अफ्रीकन वेंचर्स, उन्होंने एक डीप सी डाइविंग टीम को हायर किया ताकि वो उन 12 लोगों की बॉडीज को बाहर निकाल पाए। अब उस टीम के आगे 3 प्रॉब्लम्स थी। पहली, डीप सी में अंधेरा बहुत होता है जिस वजह से नीचे विजिबिलिटी बहुत कम होती है। दूसरी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के इस एरिया में पायरेट्स यानी समुद्री डाकू बहुत होते हैं, इसलिए जो भी बोट्स यहाँ काम करती हैं ओवरनाइट मतलब रात भर, उनके स्टाफ को रात में अपनी बोट के रूम्स को लॉक करके सोना होता है। इसलिए इस डूबी बोट के भी गेट्स लॉक थे जिस वजह से बॉडीज को निकालना बहुत मुश्किल था। और तीसरी प्रॉब्लम, जब वेव्स ने उस बोट को डुबाया तो वो बोट उल्टी हो गई थी और वैसी की वैसी ही सी बेड पर जाके बैठ गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। डाइवर्स की टीम के 3 लोग पानी में जाने के लिए रेडी हुए। इनमें से एक डाइवर को कैमरा पहनाया गया, उस डाइवर का नाम था नीको, और एक डाइविंग टीम का मेंबर रेस्क्यू बोट पे बैठकर मॉनिटर से उस कैमरे की लाइव फीड देख रहा था ताकि वो इन डाइवर्स को गाइड कर सके। वो तीनों डाइवर्स बोट पे पहुंचे। पहले उन्होंने एक मेटल के भारी गेट को खोला और जैसे तैसे बोट के अंदर घुसे। वो बोट उल्टी थी तो छत ऊपर थी और बोर्ड नीचे। बोट में रखे हुए इक्विपमेंट, फर्नीचर, बाकी सब सामान इधर उधर बह रहा था। उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ क्रॉस करते हुए अंदर जाना शुरू किया और जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचे, उन्हें 4 स्टाफ मेंबर्स की बॉडी फ्लोट करती हुई मिली। 2 डाइवर्स वहीं रुके और नीको बोट के अपर डेक यानी ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाने लगा। वो तैरता हुआ जा रहा था। जैसे ही वो थोड़ा आगे गया, उसे कुछ टच हुआ और उसे लगा शायद एक और डेड बॉडी है, पर इससे पहले वो रिएक्ट कर पाता, उस बॉडी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। नीको बहुत बुरी तरह घबरा गया, बट उसके ऊपर लगे कैमरे से बोट पे बैठा जो उनका मेंबर था उसने देखा और वो बहुत जोर से चिल्लाया, ही इज अलाइव, ही इज अलाइव, वो जिंदा है। सब शॉक्ड रह गए। 26 मई को जब बोट डूबी, उससे थोड़ी देर पहले ही बोट का कुक, जिसका नाम था हैरिसन ओकीन, वो बाथरूम में जाने के लिए उठा। जब वो बाथरूम में था तभी अचानक सब कुछ उल्टा हो गया और उसे बाथरूम के दरवाजे से पानी अंदर घुसता हुआ दिखा। बाहर उसके बाकी क्रू मेंबर्स की चिल्लाने की आवाजें भी उसे आने लगी। उसने दरवाजा खोल के निकलने की बहुत कोशिश करी, बट पानी के प्रेशर की वजह से उसका जो बाथरूम का दरवाजा था वो बहुत भारी हो गया था। उसने जैसे तैसे करके बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर देखा तो वो दंग रह गया। उसके क्रू के 3 मेंबर्स को पानी के प्रेशर ने इतनी बुरी तरह खींचा कि वो बोट से निकल के बाहर समुद्र में चले गए। वो बहुत डर गया। वो देख ही रहा था तभी तेज पानी का बहाव उसे भी बहा के बाथरूम से बाहर ले गया और बोट में ही एक दूसरे बाथरूम में ले जाके फेंक दिया। क्योंकि बोट उल्टी थी तो उस बाथरूम का वॉश बेसिन हवा में था। हैरिसन ने जैसे तैसे उस बेसिन को पकड़ा और अपने सिर को पानी से बाहर रखने की कोशिश करने लगा। बोट 100 फीट नीचे सी बेड पर जाकर रुक गई। ऑलमोस्ट एक पूरा दिन हैरिसन उसी बाथरूम में उसी पोजीशन में रहा। उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पानी में डुबकी मारी, पर
बाहर निकलने के लिए। वो बिल्कुल अंधेरे में पानी में घुसा, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो तैरने लगा और आगे जाके वो एक रूम में पहुंचा, और किस्मत से उस रूम में भी एक एयर पॉकेट था। एयर पॉकेट का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे पानी नहीं है और कोई भी व्यक्ति सांस ले सकता है। हैरिसन को किस्मत से उस दूसरे रूम में एक एयर पॉकेट मिल गया। फाइनली उसे ऐसी जगह मिली जहां वो सांस ले सकता था। बट उसकी दो प्रॉब्लम्स और थी। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो एयर पॉकेट में ब्रीथ कर रहा था तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था, और उस एयर पॉकेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक वहां जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन अनजाने में जब भी वो बचने के लिए पानी में हाथ पैर मार रहा था, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा था, और पानी नॉर्मल से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर पा रहा था, जिसकी वजह से एयर पॉकेट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नीचे ही रहा। दूसरी प्रॉब्लम थी ठंड। हैरिसन पानी में 100 फीट नीचे था, इतना नीचे सनलाइट भी नहीं पहुंचती और टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। ऊपर से हैरिसन ने सिर्फ एक शॉर्ट्स पहन रखा था और ऊपर कुछ नहीं था। हैरिसन ने धीरे धीरे पानी में चलना शुरू किया, और उसी रूम में उसे एक गद्दा बहता हुआ मिला। उसे कुछ टूल्स भी तैरते हुए मिले, जिससे उसने बोट की जो दीवारें थी, जो लकड़ी की बनी हुई थी, उनमें से थोड़ी सी लकड़ी की परत निकाली। लकड़ी और गद्दे से उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वो उसके ऊपर बैठकर अपनी बॉडी को पानी से बाहर रख सके। काफी टाइम निकल गया, हैरिसन वहीं बैठा था, तभी उसे अचानक लगा कि कोई उसके आसपास है। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो ऐसा लग रहा था कि कोई किसी चीज को खा रहा है, और ध्यान से सुना तो समझ आया कि वो एक्चुअली एक शार्क की आवाज थी जो शायद उसके क्रू मेंबर्स की बॉडी को खा रही थी। ये सुनकर हैरिसन ने अपने जिंदा रहने की सारी उम्मीद छोड़ दी, आंख बंद कर ली, अपने परिवार को याद करते हुए रोने लगा और भगवान से प्रे करने लगा। काफी वक्त निकल गया और उसने मान लिया कि ये उसका आखिरी वक्त है। तभी उसे बोट पर एंकर लगने की आवाज सुनाई दी। उसने अपने कमरे से बाहर देखा तो उसे सच में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, और वो उम्मीद की किरण आ रही थी नीको, जो ड्राइवर था, उसकी टॉर्च से। वो हिम्मत करके पानी में उतरा और तैरते हुए जाकर उसने नीको का हाथ पकड़ लिया। रेस्क्यू बोट पे बैठे डाइव टीम मेंबर ने, जो नीको के कैमरा से ये सब देख रहा था, नीको को सबसे पहले हैरिसन को कंफर्टेबल फील कराने के लिए कहा। जब कोई इंसान ओशियन के बहुत नीचे होता है या पानी के बहुत नीचे होता है बहुत देर तक, तो पानी के प्रेशर की वजह से उसकी ब्लड में नाइट्रोजन बबल्स बन जाते हैं, और अगर ऐसे इंसान को अचानक पानी से बाहर निकाल लें तो इससे पैरालिसिस भी हो सकता है या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस में डेथ भी हो सकती है। इसलिए नीको ने पहले 20 मिनट हैरिसन को ऑक्सीजन मास्क से ब्रीथ करना सिखाया, उसके बाद उसे डाइविंग हेलमेट बनाया और एक डाइविंग बेल, जो डाइवर्स, जो प्रोफेशनल डाइवर्स यूज करते हैं, उसमें बिठाकर ऊपर भेजा। फाइनली 28 मई शाम को 7 बजे, तकरीबन 2.5 दिन ओशन में 100 फीट नीचे रहने के बाद, हैरिसन वापस खुली हवा में सांस ले रहा था। आज हैरिसन हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ नाइजीरिया के वॉरी में रहता है, और उसने उसी दिन कसम खा ली थी कि वो अब कभी दोबारा ओशन में नहीं जाएगा। तो यहां खत्म होती है ये कहानी।